नमस्कार नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, यीशु मसीह की जय हो। हे मेरे दोस्तों, हे मेरे भाइयों और बहनों, जब अगर आज मैं कुछ कहूँ, मैं ये प्रार्थना करता हूँ हमेशा की तरह कि हे प्रभु, आप मुझे एक भी शब्द ना बोलने दे जो आपको नहीं बोलने के लिए चाहिए, और आप एक भी शब्द मेरे मुंह से ना निकाले जो मेरे भाइयों और बहनों जो सुन रहा है ये संदेश को, कि उन्हें आपको ये नहीं सुनाना है। लेकिन मेरे भक्ति में आप लोग को शामिल करने के लिए आज एक अलग सा भक्ति है। ये भक्ति का मैंने टाइटल दिया है कि माँ के दूध ओडिपस और मैच्योरिटी। अंग्रेज़ी में मैच्योरिटी करते हैं, हिंदी में मैं आपको टाइटल में वीडियो में बता दे देता हूँ। ओडिपस एक व्यक्ति था, जैसे हमारे देश में रामायण है, और ग्रीक और रोमनों के देश में यीशु मसीह के टाइम पे दो किताब था, ओडेसी और इलियाड। ये एक मशहूर लेखक, ग्रीक के लेखक ने लिखा है। ग्रीक देश और रोमनों की देश की देवता और देवतों के बारे में, तो ये धर्म था। जब मेरे यीशु मसीह का जन्म बेथलहम में हुआ था, उस खास रात पे जब हम क्रिसमस मनाते हैं। और ना अभी ये ओडिपस जो होमर ने उन इलियाद में लिखा है, वो एक राजा था, थेबिस का राजा था, और उसने गलती से उसके माँ के साथ शादी किया था। और जब उसके माँ को पता चला कि सही रिश्ता क्या है, उसने खुदकुशी कर दी। लेकिन ओडिपस राजा बनते रहा, और वहाँ उनकी राजधानी में वो राज करता रहा। मैं माँ का दूध और माँ का दूध आज का वचन में एक नबील के बारे में मैं आपको इस पवित्र किताब से मैं आपको ये संदेश और भक्ति ले आया हूँ। उसका नाम वो नबील का नाम था आइज़ाया। आइज़ाया जो था वो करीबन यीशु मसीह के आने से पहले, कुछ 700 साल पहले, वो यीशु मसीह के बारे में काफ़ी चीज़ बताया था। उसकी किताब में 53 चैप्टर में वो यीशु मसीह की दर्द भरी क्रूस की कहानी हमें पता चलता है कि हे भाई, ये और कोई नहीं हो सकता है, ये यीशु मसीह ही हो सकता है। तो इस नबील ने भी कहा था कि यीशु मसीह मरियम के कोख से जन्म होगा, और वो बिना आदमी के रिश्ते से उसका गर्भ होगा, और वो हमारे बीच रहने आएंगे, और उसका नाम होगा राजाओं के राजा, प्रभुओं की प्रभु, वंडरफुल काउंसलर, माइटी किंग, माइटी गॉड, इमैनुअल, गॉड विथ अस। तो आज का वचन मैंने लिया है इस नबील के किताब से, 28 चैप्टर और 9वां और 10वां वचन। आइज़ाया कहता है कि ये संदेश, इस पवित्र किताब के संदेश जो पूरे किताब यीशु मसीह के बारे में बताता है, मैं किसको देऊं
दूध पीता बच्चा, अगर अगर कोई दूध पीता बच्चा को उस ये 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 संदेश दूध पीता बच्चाओं बच्चों लोग के लिए नहीं है, ये दूध पीता बच्चा बच्चों लोग के लिए नहीं है। अगर आप इस किताब को एक 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 लाइन लेके पढ़ते रहो तो आपको पूरा कहानी सुनने में नहीं आएगा, पूरा कहानी समझ में नहीं आएगा आपको। लेकिन आपको इस पवित्र किताब को पहले किताब से, जहाँ परमेश्वर ने आदम और ईव को वादा दिया था, उसने दवादा दिया था कि मनुष्य को, हमारे 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 जनजाति को एक एक आएगा जो हर बुराई, हर हर अमंगल, हर हर बुराई, हर हर चीज़ को, हर बुराई को ख़त्म करेगा उनकी उनकी जीवन से। और वो आएगा तो माँ का कोख से आएगा, मम्मी का कोख से आएगा, औरत का कोख से आएगा। और उसने उसने पहले ही किताब में लिखा था कि ये होगा कि मरियम का गर्भ बिना बिना आदमी के रिश्ता होगा। दूध पीता बच्चा ओडिपस और मैच्योरिटी, सच्चा संदेश जो है, सच्चा संदेश जो है एक 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 लाइन से नहीं होता है, पूरा किताब पढ़ने से होता है। इस नबील ने कहा था, इस नबील ने कहा था कि होगा एक औरत होगा जिनसे मसीहा आएगा, और इस मसीहा का, इस औरत का गर्भ बिना आदमी का रिश्ता के साथ होगा। लेकिन हमें हमें ये जानकारी मिलने के बाद हम जब देखते हैं तो हम यीशु मसीह के संदेश देखना के शुभ समाचार सुनना चाहिए। दूध पीता बच्चा नहीं रहना चाहिए हम, कि जब हम, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि माता जी की स्थान हमारे जीवन में कम है। हमारे परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, उन्होंने एक औरत को चुनना पड़ा जो जिसमें इतना विश्वास होगा जो कि वो उनका माँ बने। लेकिन जब हमारा जन्म होता है, हमारे माँ के स्थान हमारे जीवन में नंबर वन है, क्योंकि उसने वही कह सकते हैं कि आप कहाँ से हैं, वही कह सकते हैं। मरियम सिर्फ कह सकता था कि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, क्योंकि उसका गर्भ बिना आदमी का रिश्ता हो सका हो पाए। लेकिन हम जब हमारे विश्वास में बढ़ते चले आए तो हम दूध पीता माँ का दूध पीता बच्चा से हम यीशु मसीह के शुभ समाचार को समझना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, और हमारे विश्वास बढ़ना चाहिए। हम इस साइकोलॉजी का टर्म ओडिपस कॉम्प्लेक्स, मैं इसमें मानता नहीं हूँ,
लेकिन दुनिया दुनियादारी मानते हैं, डॉक्टर लोग मानते हैं, साइकोलॉजिस्ट मानते हैं, ये हमें शोभा नहीं देता, ये हमें शोभा नहीं देता। लाइन अपॉन लाइन, परसेप्ट अपॉन परसेप्ट, एक 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 लाइन खींच के हमें पूरा संदेश, यश परमेश्वर का संदेश नहीं मिलता है। हम हमारे विश्वास में बढ़ना चाहिए, हम बच्चा नहीं रहना चाहिए, बच्चे नहीं रहना चाहिए, हमारे विश्वास में हाँ जी इस संदेश, इस भक्ति मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। हाँ, माँ का स्थान हमारे जीवन में पहला है, लेकिन जब हमारे जीवन में हम बड़े होते हैं, हम शादी करते हैं, तो हमारे साथ साथ चलने के लिए मम्मी नहीं रहता है, हमारे बीवी रहते हैं, और हम इनके साथ हमारे बच्चों को माँ के दूध पीता हुआ बच्चा से लेके बड़े 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 आदमी और औरत का के बनने में हम उनके परवरिश करते हैं। हम उनको अगर माँ के दूध पीता बच्चा रखे तो उनका वह बड़े बड़े पुरुष और काम के लायक नहीं रहेगा। हे प्रभु, इस छोटा सा संदेश, इस महान महान कहानी मैं ये चाहता हूँ प्रभु कि सभी जाने कि राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मेरे यीशु मसीह का क्या शुभ समाचार है और क्या हमें समझना चाहिए, ताकि क्योंकि इसका शुभ समाचार केवल दो वचन में कहता है कि वो आया, वो जिया, वो मर गया, वो मृत्यु पे विजयता प्राप्त करके जी उठा, और अभी वो स्वर्ग के राजधानी पे बैठ के हमें हमारे प्रार्थना उन तक पहुँचता है। हे प्रभु, ये मैं मेरा प्रार्थना है कि आपके रोशनी हर 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 घर में हो। इन जीसस नेम, आमेन।